नीतीश जी के रामनाथ गोविंद जी को समर्थन देने के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक तूतू में लगातार जारी है। गुलाम नबी आज़ाद का स्टेटमेंट आता है, लालू जी का स्टेटमेंट आता है, नीतीश जी का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने मुझे विश्वास में नहीं लिया। देखिए, नीतीश जी राजनीतिक खिलाड़ी हैं और जितने भी विरोधी पक्ष के लोग हैं सभी लोगों का एक नेचर है तूतू में करने का, लेकिन आपस में सबको एक साथ मिलकर रहता है लोग, और वो लोग किसी न किसी रूप में पब्लिक को दिग्भ्रमित करता है लोग। इससे बहुत कुछ सीरियस नहीं है कि नीतीश ने क्या कहा और कांग्रेस ने क्या कहा, उन लोगों का एक फिनपना है। अब बताइए, नीतीश जी ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सहयोग किया और जब कांग्रेस के खिलाफ था और कांग्रेस के साथ बैठ के वो सरकार चला रहे हैं, तो अब सर कांग्रेस के विरोध में बोल रहे हैं या लालू के विरोध में बोल रहे हैं या लालू के साथ सरकार चला रहे हैं, ये कोई माने उनके बात नहीं करता। और मैं इसको बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ कि नीतीश जी ने क्या बोला और कांग्रेस ने क्या बोला, क्योंकि घुसपैठ के उन लोगों का खाली एक नेचर है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, कि वो GST में सबने समर्थन किया, फिर विरोध का तू कहाँ से उठता है। इसका मतलब वो लोग चाहता है कि क्रेडिट मिला है BJP को और सबने सब हमसे नहीं हुआ वो कर लिया, तो कहीं ना कहीं लंगाओ पब्लिक को दिग्भ्रमित करो, उनके साथ जुड़ने मत, उनका उद्देश्य यही है। ममता बनर्जी लालू के BJP हटाओ रैली में शामिल हो रही है, तो वो तो BJP के अगेंस्ट में ही है, शामिल होने दीजिए, और उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के सभी लोग कांग्रेस भी एक साथ जुट होकर विरोध कर रहे हैं तो क्या अंतर पड़ता है, इसलिए हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहा। बिहार में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ढंगे की चोट पर बनेगी। ममता बनर्जी ने बोला है कि ये कानून जो GST आया है कहीं ना कहीं बिजनेस व्यवसायियों के लिए शोषण होगा, उत्पीड़न होगा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा चिंता व्यवसायिक वर्ग को ही है, क्योंकि दो नंबर का जो धंधा करते थे वो दो नंबर का धंधा अब नहीं कर पाएंगे। जनता को जो जहाँ 5% टैक्स था वहाँ 7% 8% लेते थे, पब्लिक को जानकारी नहीं होती थी, जो मनमाना दाम लेते थे, मनमाना टैक्स के बल पर वसूलते थे, सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं लोगों, व्यापारी लोगों को है। आज जो व्यापारियों को चिंतित रहता है, इसका मतलब व्यापारी से उनका इलीगल संबंध है। जनता तो इससे खुश है और जनता चाहती है कि मैं GST लागू हो, क्योंकि आज नहीं कल महीना दो महीना में बात क्लियर हो जाएगा। नई नई परिस्थिति आई है तो लोग समझाने में गुमराह करने में थोड़ी सफलता मिल रही है, लेकिन वस्तु स्थिति है कि पब्लिक जब को समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जो किए हैं वो बहुत अच्छा किए हैं, पब्लिक हित में किए हैं, इसलिए इन लोगों के कहने से कोई जनता पर असर नहीं पड़ रहा। राजनीतिक पार्टियों को कुछ न कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं लोग, इसलिए हम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चाइना जो सड़क बना रही है, कहीं ना कहीं अब दोनों तरफ से सेनाएं का जमावड़ा बढ़ गया है, इसको ये तो बीच बीच में चाइना हमेशा अपना प्रभुत्व जमाने के लिए करते रहता है, इसलिए कोई बात नहीं है। और हमारे नेताओं ने जवाब दे दिया है कि 62 का हिंदुस्तान नहीं है, इसलिए चाइना को भी आगे कुछ करने में सोचना पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छा होता है कि हमारी अलर्टनेस बढ़ गई और हम सचेत हो गए चाइना से, और दमदार तरीके से सचेत हो गए। हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, करेंगे भी आगे।